होटल मैनेजमेंट की रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। हमारे होटल मैनेजमेंट पहले आपको पता होगा, आप विजिट करते होगे, होटल्स क्या होते हैं नॉर्मली आपको पता है, ठीक है, वहाँ पे किस किस तरह वो मेजर क्या है। होटल जो होते हैं वहाँ पे क्या है, फोर मेजर डिपार्टमेंट रहते हैं जिसमें हम डिप्लोमा करवाते हैं, ठीक है, और डिग्री भी करवाते हैं। डिग्री हमारी फोर ईयर्स की होती है, ठीक है, और जो हमारा डिप्लोमा है डिप्लोमा वन ईयर से स्टार्ट होते हैं। तो इसमें क्या है आपके डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेशन, जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं आपके वन मंथ से आपका 11 मंथ तक जितने भी कोर्सेज आते हैं सर्टिफिकेशन कोर्सेज में आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो डिप्लोमा कोर्सेज जो आपके आते हैं वो रहते हैं आपके वन ईयर से अब होते हैं आपका डिप्लोमा कोर्सेज, और डिग्री आपको पता थ्री ईयर फोर ईयर आपका डिग्री रहता है। तो अभी जो हम कोर्सेज करवा रहे हैं क्या हम डिप्लोमा कोर्सेज करवा रहे हैं, इसमें हम डिप्लोमा होटल के फोर मेजर डिपार्टमेंट होते हैं उसके अंदर हम डिप्लोमा करवा रहे हैं। फर्स्ट इसमें जो है होटल डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, ठीक है, और जो सेकंड वन है डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस, डिप्लोमा इन हाउसकीपिंग, डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज सर्विस, डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन। ये चार तरह के डिपार्टमेंट होटल के अंदर होते हैं जिसके हम डिप्लोमा करवाते हैं बच्चों को, ठीक है। तो मैं इसका आपको, वैसे तो काफी लंबा लेक्चर होता है पर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, तो मैं इसका आपको फी स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। जो मैंने आपका फर्स्ट बताया डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, उसके अंदर ये चारों डिपार्टमेंट होटल के आते हैं जो मैंने आपको बताया, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, फूड एंड बेवरेज सर्विस, फूड प्रोडक्शन, ये चारों डिपार्टमेंट आते हैं। और डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी के अंदर इसका जो हमारा फीस रहता है वो रहता है 70,000 पर ईयर, जिसमें आपका ड्रेस से लेके हर चीज इंक्लूड रहता है, राइट। और आपका इसमें क्या है अकेडमी क्लासेस चलती है 6 मंथ, और आपको इंटर्नशिप में भेजते हैं 6 मंथ के लिए कहाँ का होटल से जहाँ आपकी ट्रेनिंग की जाती है, ठीक है। तो इसका जो मेरा फीस रहता है वो रहता है 70,000। इसके बाद जो डिप्लोमा मैंने बताया आपको, अब इसके अंदर जो चार डिपार्टमेंट है फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, फूड एंड बेवरेज सर्विस, फूड प्रोडक्शन, ये अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। इसमें भी आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कोर्सेज कर सकते हो अगर आप पर्टिकुलर करना चाहो, जैसे आपको किचन लाइन में शौक है, आपको खाना बनाना है, आपको शेफ बनना है, तो आपका इसमें डिप्लोमा फूड प्रोडक्शन कलनरी आर्ट आप कर सकते हो, राइट। जब आप कलनरी आर्ट करते हो तो इसका मेरा जो फीस रहता है वो मेरा है 55,000 फीस रहता है इसका। ये आपका इसका टाइम ड्यूरेशन है 1 ईयर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो हमारा एफिलिएटेड है, हमारा इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड, वो है आपका आईसेट से ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, वहाँ से हमारा एफिलिएटेड है। और दूसरा जो हमारा जो ऑनलाइन सर्टिफिकेशन वर्क आते हैं वो है हमारा एफिलिएटेड AHA से, अमेरिकन हॉस्पिटैलिटी अकेडमी, राइट। तो ये हमारा एफिलिएशन है जहाँ से आपके डिप्लोमा डिग्री आपको आती है, ठीक है। और थर्ड वन मैंने बताया था डिप्लोमा इन आपका फूड एंड बेवरेज सर्विस, इसमें क्या है सर्विस जो आपका होता है, अब क्या है जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है उसमें क्या है आपका मेनली जैसे घर में आप होती है क्या है किसी का अतिथि सत्कार, जैसे हम यहाँ पे आए हैं तो क्या है हमारा जैसे बस सर ने आए हमारे को पानी के लिए पूछा, ऐसे ही हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, ठीक है। वहाँ पे क्या है जो भी कोई गेस्ट आता है उसका क्या किया जाता है वेलकम किया जाता है। जो सबसे पहले डिपार्टमेंट ने बताया आपको फ्रंट ऑफिस, उसके अंदर आपका क्या है फ्रंट ऑफिस के अंदर ये काम वेलकम किया जाता है, ठीक है। उनको क्या है फिर वहाँ पे होटल्स के बारे में दिखाया जाता है कौन से रूम है, ठीक है। जैसे आपके मेनली आपके एग्जाम्पल के तौर पर घर में कोई गेस्ट आता है तो आपको क्या सबसे पहले क्या करते हो आता है उनका वेलकम करते हैं, उनको विशेष करते हैं, वैसा ही होटल इंडस्ट्री जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वैसा ही इसमें चलता है, ठीक है। तो उसमें क्या है आपको मेनली जैसे फ्रंट ऑफिस का वर्क रहता है वही वर्क आपका घर से आप घर से आपके एग्जाम्पल इसमें घर से शुरू हो जाता है, राइट। जैसे कोई गेस्ट